हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भरवा टिंडा या फिर स्टफ टिंडा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आसानी से बनके तैयार हो जाएगी और कम चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टफ्ड टिंडा। यहाँ पर हमने लिए हैं लगभग 300 ग्राम के आसपास टिंडे। इनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम इसकी स्किन को हटाएंगे। एक पीलर की सहायता से हल्का हल्का सा चलाते हुए बिल्कुल पतली सी हम इसकी स्किन निकाल लेंगे। देखिए, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी टिंडे खरीदें तो जो हरे कलर के होते हैं ना, वो वाले खरीदें। जो हल्के से पीले रंग पे या फिर सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, वो थोड़े से पक जाते हैं, तो उनको इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो कच्चा टिंडा होता है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। अब इनको छीलने के बाद जो इसका ये स्टेम वाला पार्ट है, इसे हम निकाल देंगे और इसी तरीके से बाकी टिंडे भी छील के तैयार कर लेंगे। टिंडे छीलने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। उसके लिए देखें, जहाँ से हमने स्टेम हटाई थी ना, उस वाले पार्ट से एक बिल्कुल पतली सी हम स्लाइस अलग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से एक स्लाइस अलग निकाल ली है। और अब ये वाला जो बड़ा पार्ट है, इससे हमें पीलर की सहायता से बीच से इसको खाली करना है, ताकि हम इसमें बाद में स्टफिंग भर सकें। ये देखें, इस तरीके से घुमाते जाएंगे पीलर, और जो अंदर की ये बीज वगैरह हैं या जो इसके अंदर का गूदा है, वो बाहर निकल जाएगा। बस इसको नीचे तक छेद नहीं करना है, हल्के हाथों से इस तरीके से पील कीजिएगा और बहुत आराम से ये खाली हो जाएंगे टिंडे। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से हमें टिंडों को खाली कर लेना है। इस टिंडे के ऊपर से हमने सबसे पहले एक स्लाइस निकाल के अलग करी थी, उस स्लाइस को भी हम इस टिंडे के साथ ही रख देंगे, ताकि जब हम बाद में इसे कवर करें तो सेम स्लाइस इस्तेमाल हो जिस भी टिंडे की कटिंग की है, नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएंगी। और सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, बाकी टिंडे भी इसी तरीके से खाली कर लेंगे। टिंडे खाली करने के बाद अब हमारे पास ये जो बीच का पार्ट बचा ना, इसको भी हम स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। इसे वेस्ट नहीं करना है, इसको चॉपर में डाल के बारीक कर लेंगे, या फिर आप चाकू से भी इसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। अब हमने पैन के अंदर तेल गरम करने के लिए रखा है, इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें एक चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और एक चौथाई चम्मच डालेंगे हींग पाउडर। तेल गरम होने पर हम इन सभी मसालों को तेल में डाल देंगे। जब ये खड़े मसाले अच्छे से चटक जाएंगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे दो मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने चॉपर की सहायता से बारीक काट लिया है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें प्याज को भूनना है, जब तक कि ये हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती। ये देखें, प्याज हमारी लाइट गोल्डन होनी शुरू हो गई है। बस इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे इसमें टिंडे के बीच वाला पार्ट, जिसको हमने चॉपर में डाल के बारीक कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इन तीनों चीज़ों को अब हम मीडियम फ्लेम पे वापस से भूनना शुरू करेंगे, जब तक कि जो टिंडा हमने इसके अंदर ऐड किया है, वो भी लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। अब देखिए, टिंडा भी हमारा हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। बस इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को वापस से भूनना शुरू करेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हमें इन चीज़ों को भूनना है। प्याज टिंडा अच्छे से भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक जाएगा स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे अच्छे से भर के, यानी 1 टेबलस्पून के लगभग धनिया डाला है। साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जाएगा गरम मसाला, 1 चम्मच ऐड करेंगे किचन किंग मसाला। अब लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें मसालों को भूनना है, जब तक कि इसके अंदर से बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती और मसाले पक नहीं जाते। फ्लेम हमारी लो टू मीडियम पे ही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर मसाला भूनने के लिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अगर आप मसाले में पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो मसाला है वो बहुत गीला हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब हम इसको टिंडे के अंदर फिल करेंगे। चले, मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हमारी टिंडे में भरने की स्टफिंग रेडी है। इसे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर फिलिंग करेंगे। ये देखें, हमारी जो फिलिंग थी या स्टफिंग थी टिंडों में भरने के लिए ठंडी हो गई है। अब हम इसे भरना शुरू करेंगे। ये टिंडे जो हमने खाली करे थे इसमें से बीच वाला पार्ट हम अलग कर लेंगे इसका, और अब चम्मच की सहायता से हम इसके अंदर स्टफिंग को भर देंगे। जितनी आराम से स्टफिंग आ जाएगी उतनी ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ओवर मत भर दीजिएगा। टिंडे में स्टफिंग भरने के बाद अब ये जो स्लाइस हमने पहले से काट के रखी थी ना, इसको बीच में लगा देंगे इस तरीके से। अंदर इस तरीके से आप टक कर दीजिएगा। ये देखें, बस बिल्कुल हमारा जो टिंडा है ये तैयार है। और इसी तरीके से हम बाकी टिंडों को भी फिल कर लेंगे। देखिए, टिंडे हमने भर के तैयार कर लिए हैं। इतने टिंडे भरने के बाद देखिए थोड़ा सा मसाला मेरे पास बचा है, इस मसाले को भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब जो टिंडे हैं उन्हें गलाना है, उसके लिए देखिए सेम पैन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, लगभग 1/4 से 1/2 कप पानी इसके अंदर जाएगा। पानी डालने के बाद ये साइड में जो किनारे पे मसाला लगा हुआ है इसको भी हम बीच में कर देंगे और हाई फ्लेम पे इस पानी को बॉयल होने देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर टिंडों को लगा देंगे और अब हम पैन को कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें टिंडों को लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि टिंडे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब 20 मिनट के बाद हम खोल के चेक करेंगे। ये देखें, पानी बिल्कुल कम हो गया है यहाँ पर। अब टिंडों को हम पलट लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से सारे टिंडे हम पलट लेंगे। अब वापिस से हम पैन को कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद देखिए खोल के चेक किया है, 10 मिनट के अंदर ये जो टिंडे हैं दूसरी तरफ से भी बढ़िया से पक के तैयार हो गए हैं। ये देखें, इसकी स्किन सॉफ्ट हो जानी चाहिए, यानी इतनी सॉफ्ट हो जाए ताकि खाने लायक हो ये। आप चाहें तो टिंडों को प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। उसके लिए आप प्रेशर कुकर के अंदर 1/4 कप के लगभग पानी ऐड कीजिए और टिंडों को अरेंज कर दीजिए, फिर एक विसल आने तक इन्हें पका लीजिए। ऐसे में जो टिंडे हैं वो जल्दी पक के तैयार हो जाएंगे। जो तरीका आपको पसंद हो, चाहे पैन वाला या फिर प्रेशर कुकर वाला, वो आप आजमा सकते हैं। और इसी के साथ तैयार है हमारे स्टफ टिंडे। इसको प्लेटिंग करने के लिए मैंने नीचे मसाला रखा है जो हमारा बच गया था, और उसके ऊपर टिंडे अरेंज कर दिए हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।